नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर पहुंचे, जहां रठौड़ा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। रामपुर में सीएम योगी ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद की योजना में हमें रामपुरी चाकू मिला। इस चाकू का उपयोग कैसे करना है तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शास्त्र होगा तो उसका उपयोग देश और धर्म के लिए करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में अगर होगा तो वो लूट खसोट दलितों और गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलितों की जमीनों की संपत्तियों पर कब्जा करने का माध्यम बना लिया, और इसीलिए जिसने जैसा किया उसको उसका वैसा फल भी दिया गया है। और हम लोगों ने पहले ही इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार कार्य करेगी। जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है तो उसका क्या हश्र होगा ये देख लीजिएगा। तो फिलहाल संपत्ति को वापस सरकार उस गरीब को देगी जिसके लिए बुलडोजर चलाने में भी गुरेज नहीं किया जाएगा। जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। और हम लोगों ने तो पहले ही दिन इस बात को कहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी, और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। कोई उसमें पीलीभीत में न्यू ईयर 2022 के उपलक्ष में भारी संख्या में लोग आज पार्क में घूमने फिरने और पार्क की सुंदरता का लुत्फ उठाने पहुंचे। हालांकि पार्क बेहद पुराना है पर पार्क की दशा बेहद खराब थी। पर सूबे में आई भाजपा सरकार में मुखिया योगी आदित्यनाथ शासन काल में आए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने पार्क की दशा ही नहीं यहाँ की सुंदरता के साथ साथ झूलों की संख्या में भी इजाफा कर जनता को समर्पित किया है ये पार्क। वहीं पार्क में मौजूद लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं वहां मौजूद लोग। इस समय शहर के नेहरू पार्क उद्यान में हम इस समय मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके 31 दिसंबर का समय है और 1 जनवरी यानी कि नया साल 2022 जो है शुरू हो चुका है, हम लोगों से बात करेंगे जो यहां पे घूमने फिरने आए हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कुछ उनके बारे में किस तरीके से वो यहाँ घूमने फिरने आए हैं, कि हर साल आते हैं कि पहली बार आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर दास गौतम। ठाकुर दास जी, आप यहाँ पार्क में घूमने के लिए आए? बिल्कुल। पूरी फैमिली के साथ आए? बिल्कुल। अकेले आए? नहीं, फैमिली के साथ। क्या कुछ लग रहा है आपको यहाँ पार्क में देख के? नहीं, पार्क में तो काफी भीड़ भाड़ है, अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं कि पहली बार? बिल्कुल, हमेशा आते हैं। क्या आप बीच बीच में भी आते हैं? जरूरी नहीं है कि की बात आप कर रहे हैं, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं या इस साल की बात कर रहे हैं? नहीं, इस साल ही बात कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, 5 साल पहले क्या माहौल था यहाँ का और आज कैसा माहौल? पहले पे तो सुधार हुआ है। पहले से सुधार हुआ? जिस तरीके हम यहाँ पार्क में घूमे, यहाँ पे लोगों को देखा कि एक एक झूले में 10-10, 20-20 लोग लदे हुए हैं, उसको आप क्या नजर से देखते हैं? नहीं, अगर 10-10 लोग अगर झूल रहे हैं तो वो गलत चीज है। गलत है ना? बिल्कुल। तो आज अगर पार्क की जो दशा है, जो सुधार हुआ है, वो किसके माध्यम से हुआ है? वो तो सरकार के द्वारा किया गया। सरकार के द्वारा क्या? माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज अगर पार्क की जो दशा है वो बिगड़ जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं तो उसके लिए तो पब्लिक जो जिस तरह से आ रही है जिम्मेदार तो उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए ना। पब्लिक जिम्मेदार होना चाहिए ना। पब्लिक को चाहिए कि जो पार्क की जो दशा सुधारी है, जिलाधिकारी पुलकित खरे जिस तरीके आपका कहना है, जिलाधिकारी पुलकित खरे जो शहर के जो पार्कों की जो दशा सुधारी है, तमाम चौराहों की दशा सुधारी है, उसका रखरखाव जो है जनता को करना चाहिए। बिल्कुल, पब्लिक की जिम्मेदारी। पब्लिक की जिम्मेदारी है, आप मानते हैं? बिल्कुल। पब्लिक ही पार्कों की दशा बिगाड़ने में लगी, उसको आप किस नजर से देखते हैं? ये तो पब्लिक की
पब्लिक गलती है ना। नहीं, जिस तरीके मैं पार्क में घूमा, मैंने देखा, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, एक एक झूले पे जो बच्चों के लिए झूले अलाउ किए हुए हैं उसमें 36-36 साल के, 40-40 साल के बच्चे और आदमी जो हैं, औरतें जो हैं, झूल रही हैं उसमें, झूला झूल रहे हैं। जो पार्क की व्यवस्था है, जो पार्क का जो मैनेजमेंट है, वो पार्क के मैनेजमेंट को देखना चाहिए, मैनेजमेंट को देखना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है ना। नहीं, पब्लिक के साथ साथ जो यहाँ का जो प्रशासन, जो यहाँ का जो मैनेजमेंट बनाया गया है जो पार्क के लिए, जो मैनेजमेंट व्यवस्था है, तो मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि उस पर 14 साल के बच्चे हैं तो 14 साल के बच्चे ही झूलने चाहिए, बड़े बच्चे उस पर ना चढ़ें। चौधरी जी, जी आप यहाँ पहली बार आए कि हर साल आते हैं? पहली बार आए। पहली बार आए, क्यों आए, क्या वजह है जो पहली बार आप यहाँ आए? खूबसूरती, एक नाम सुना था इसका, खूबसूरती देखने आए। खूबसूरती देखने जी, इससे पहले नाम नहीं सुना था? नहीं, नाम नहीं सुना था। पार्क तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना पार्क है नेहरू पार्क। जो पार्क है वो पीलीभीत का सबसे पुराना पार्क है। आपने कभी नाम नहीं सुना, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमरिया। अमरिया, अमरिया के रहने वाला आपने? पीलीभीत जनपद, कहने का मतलब आप पीलीभीत जनपद के निवासी हैं। आपने कभी पार्क का नाम नहीं सुना? आपने आज नाम सुना। आप यहाँ घूमने कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जितनी भीड़ कम है उतना मजा आया। जो आज हम पार्क में यहाँ मौजूद हैं, जो जो जिस तरीके लोगों से हमने बात की, लोगों का साफ तौर से कहना है, जिलाधिकारी पुलकित खरे की वजह से इस पार्क की तस्वीर जो है बदली है। कहीं ना कहीं 5 रुपए का टिकट तो जरूर है, लेकिन 5 रुपए का गुटखा खा के जो थूकने वाले लोग हैं, वो 5 रुपए गुटखा खा के थूकने के बजाय 5 रुपए यहाँ खर्च करने के लिए, यहाँ घूमने के लिए, यहाँ की सुविधाओं का लुत्फ उठाने के लिए मजबूर हैं। पीलीभीत से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रांजल गुप्ता। अगली खबर आगरा से है, जहाँ अव्यवस्थाओं के बीच पर्यटकों ने ताज का दीदार किया है। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जहां कुछ पर्यटक मास्क लगाए नजर आए और बहुत से पर्यटक बिना मास्क ही नजर आए। तो नववर्ष के दिन ताज पर ये पर्यटकों का सैलाब उमड़ा, लेकिन इस बीच ये भी देखा गया कि ओमिक्रॉन जहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना अभी उसने दम नहीं तोड़ा है, इस बीच भारी भीड़ में पर्यटक पहुंचे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। तो नववर्ष के मौके पर ताज को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ आई, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने पालन नहीं किया, साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस को भी दरकिनार किया गया। वहीं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर चलने फिरने में परेशानी का सामना करने वाले यात्रियों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर और लिफ्ट लगा दी गई है। लिफ्ट, एक्सेलेटर और लाइट का शुभारंभ भी किया गया है। फोर्ट रेलवे स्टेशन पर लगी लिफ्ट व एक्सेलेटर यात्रियों को राहत देखा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सेलेटर लगाया गया है और लिफ्ट भी लगाई गई है, जिससे यात्रियों को अब सुविधा मिलेगी। तो आगरा से तस्वीरें हैं जहां पर आज शुभारंभ किया गया है, लाइटें, एक्सेलेटर और साथ ही साथ लिफ्ट। रेल मंत्री जी का और यहाँ के रेलवे के ऑफिसर्स, हमारे DRM और GM का आभार प्रकट करना चाहूँगा, रेलवे बोर्ड का, कि आगरा पर्यटन की दृष्टि से विश्व का एक बहुत अच्छा शहर है। कोई भी व्यक्ति यदि पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है तो आगरा जरूर आता है, तो इसलिए रेल से भी आते हैं लोग, रोड से भी आते हैं, और उनके लिए ये सुविधा दी गई है कि एक लिफ्ट, बहुत ही अच्छी स्वचालित, अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की, और एस्केलेटर, जिससे सीनियर सिटीजन्स को, दिव्यांग भाइयों को और बल्कि सभी को एक बड़ी सुविधा होगी। मैं रेल के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा कि यहाँ पर उन्होंने ये नागरिक सुविधाएं दी, और ये नहीं, सुविधाओं की दृष्टि से वेटिंग रूम को बहुत अच्छा किया है, पीने के पानी का ठीक किया है, बेंचेज हुई हैं, मुझे लगता है मदर बेबी फीड के लिए भी। वहीं बलिया जनपद के रसड़ा विकास खंड के बस्तौरा गांव में ग्रामीणों की शिकायत पर जांच करने पहुंचे जिला विकास अधिकारी RR मिश्रा सहित ब्लॉक के अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायत को बारी बारी से सुना और मौके पर जाकर शिकायत की जांच की, जिसमें प्रधान द्वारा आवास के नाम पर 1000 रुपए लेने का भी मामला प्रकाश में आया है। गांव वाले ने अधिकारी के सामने कहा कि प्रधान के लोगों द्वारा हम लोगों से जबरन 10,000 रुपए लिए गए हैं, साथ ही मनरेगा की मजदूरी कराकर भी मजदूरों का पैसा नहीं दिया गया, जिसे जांच करने पहुंचे अधिकारी ने प्रधान सहित संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द ग्रामीणों का भुगतान करने का आदेश दिया है। तो आवास के नाम पर रिश्वत का खेल चल रहा था बलिया में, जहां आज अधिकारी पहुंचे, जांच की गई तो प्रथम दृष्टया ये निकलकर सामने आया है कि 10,000 रुपए रिश्वत लेने का ये पूरा जाल बिछाया गया था,
जिसको लेकर आज अधिकारियों ने फटकार भी लगाई है। ऐसा था, जिलाधिकारी महोदय की जनसुनवाई में एक गांव के ही दो तीन लोगों ने शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत में मनरेगा से अमीर चंद के खेत से अब्दुल मियाँ के खेत के पूर्वी छोर तक चकबंद का कार्य है, जिस पर वित्तीय वर्ष 2021 और 21-22 में एक बार कार्य कराकर दो बार का पैसा भुगतान किया है। मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, दूसरी जगह रहता हूँ। घर वाली से लेके 10,000 रुपया जो मांग लिया लोग प्रधान, ये आवास का, आवास का, हाँ 30-40 हज़ार आया था। मेरा खाता है रसड़ा बड़ोदरा का, तो उस प्रधान ने अपने भतीजे को भेज के, मैं नहीं यहाँ नहीं रहता ना सर। ये पैसा कहलन जा कि पासबुक ले आवा जा, आधार कार्ड तो ले नहीं जा। कैसा पैसा? आवास वाला। क्या हुआ, नहीं मिला आपको? तो अंगूठा लगोलन जा तो कहता ना जा जा पैसा उतार ले जा, कल उतार ली है जा, एक बार अंगूठा लगोलन जा। क्या हुआ फिर? तो जाता नहीं जा बैंक पर, तो 40,000 रुपया आयल बा लेकिन 10,000 रुपया उतारल बा। तो इस बीच रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत, मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। चलिए भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्तुत होने हुए। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते हैं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया? तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड, तिलक चावला के साथ, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तो बलिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीर घाट के गायत्री शक्ति विद्यापीठ में नए साल के पहले दिन से 4 जनवरी तक चलने वाले गायत्री माता प्राण प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव, देव परिवार विस्तार, 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसी कड़ी में आज गायत्री शक्ति पीठ महावीर घाट से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जहां कलश यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। यह कलश यात्रा पूरे नगर में भ्रमण कराते हुए पुनः गायत्री शक्तिपीठ महावीर घाट पर पहुंचेगी। जिन क्षेत्रों में भी कलश यात्रा गुजरेगी, वहां लोगों ने इसको पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरण कर कलश यात्रा का स्वागत किया है। सर पर कलश और पीला वस्त्र धारण किए महिलाओं ने कलश यात्रा की शोभा बढ़ाई है, तो वहीं शंखनाद के साथ हाथों में मसाल लिए श्रोताओं की छटा देखते ही बन रही थी। वहीं मां वैष्णो देवी दरबार में हुई भगदड़ के बाद जिन लोगों की जान गई है, उसमें गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला श्वेता सिंह भी शामिल है।
श्वेता सिंह गाजियाबाद के वार्तालोक सोसाइटी में रहती थी और यहाँ उनका मायका था। परिवार के लोगों ने बताया है कि श्वेता सिंह अपनी बहन के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने गई हुई थी और रात करीब 3 बजे जब फोन मिलाया गया तो किसी पुलिस वाले ने फोन उठाकर यह बताया कि यहाँ हादसा हो गया और श्वेता की मौत हो गई है। परिवार के परिचित के मुताबिक श्वेता सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी और उनकी बड़ी बहन घायल हो गई थी जो फिलहाल अस्पताल में है। श्वेता सिंह के पति मर्चेंट नेवी में हैं और वह फिलहाल बाहर हैं। उनके मायके में उनकी माँ, 2 भाई, भाभी और बच्चे हैं। श्वेता खुद एक कंपनी में इंटीरियर डिजाइनर के पद पर कार्यरत थी। 2007-08 से काम करती थी वहाँ पे कोठारी एसोसिएट में जी, और एज ए एक इंटीरियर डिजाइनर जी, और काफ़ी अच्छा नेचर था इस लड़की का जी, सबके साथ बना के रखती थी, बहुत ही अच्छा नेचर था। मतलब आज हमने मतलब अपने फैमिली से एक मेंबर खो चुके हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हम अपने फैमिली से ही अपना एक मेंबर खो चुके हैं। मेरी रिलेटिव थी, मतलब बच्चे की तरह थी, मेरी बहन छोटी बहन की वो ननद थी। सर आप कैसे पता चला, क्या जानकारी सर मिल रही है? सुबह 3:15 वहाँ से कॉल आया कटरा से पुलिस का, उसी से पता चला कि स्टैम्पेड हो गया और ऐसा ऐसा हादसा हुआ। वहीं गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के रामपुर बुजुर्ग गांव में एक नए नववर्ष पर पूर्व प्रधान के घर मातम छा गया है। दरअसल पूर्व प्रधान के इकलौते पुत्र अरुण प्रताप सिंह की वैष्णो देवी भगदड़ में मौत होने की खबर आई है। सूचना के बाद विधायक संगीता यादव सहित क्षेत्र के संभ्रांत लोग पीड़ित पिता व पूर्व प्रधान के घर पहुंचकर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। आपको बता दें कि जम्मू के वैष्णो देवी में 31 दिसंबर की रात हुई भगदड़ में गोरखपुर निवासी अरुण की जान चली गई। चौरी चौरा के रामपुर बुजुर्ग गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान सत्यप्रकाश सिंह के इकलौते बेटे थे डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह की भी हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है। रुद्र शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी अर्चना सिंह को लेकर वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। बीते 1 दिसंबर को उनकी शादी कुशीनगर जिले के पकड़ी गांव की रहने वाली अर्चना सिंह से हुई थी, जबकि डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह यहां शहर में शाहपुर इलाके के जेल बाईपास रोड पर हिंद हॉस्पिटल चलाते थे। वे अपनी पत्नी के साथ शहर में ही रहते थे जबकि माता और पिता गाँव में रहते थे। परिवार में रुद्र के अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है। बोले में 2 साल रहे वहाँ पे, पेनेसिया के सोने के बाद वो गांव शिफ्ट हो गए, उसके बाद अपना प्राइवेट वो कहीं पढ़ाई के लिए भी गए थे, उसके बाद अपना हिंद हॉस्पिटल खोले जेल बाईपास रोड पे, तभी सोचा बच्चे हैं 2014 से मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, इकलौते पुत्र हैं, कैसा व्यवहार रहा उनका? व्यवहार उनका बहुत कुशल मंगल था, कभी किसी से कोई विड्रो नहीं, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करता, सबको साथ में लेके चलना, पेशेंटों के लिए वो दिल एकदम जान देते थे, पूरी रात ड्यूटी रहती थी उनकी, पूरी नाइट अपना जगते करते थे। माँ वैष्णो देवी में हुई भगदड़ में कानपुर के रहने वाले 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे में बहनोई साले जो कि रिश्ते में लगते थे की मौत होने से घर में मातम का माहौल है। 29 दिसंबर को ट्रेन से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे साले और बहनोई। बिदनू के काकोरी गांव निवासी बहनोई व पनकी गंगागंज निवासी साले की घटना में जान चली गई है। मृतकों के घर में मातम छाया हुआ है। शवों को फ्लाइट के द्वारा लखनऊ लाया जाएगा, फिर लखनऊ से कानपुर शवों को लाया जाएगा। मेरा भाई 29 तारीख को जम्मू गया था दर्शन करने माता जी के, और आज सुबह जम्मू में भगदड़ के कारण मेरे भाई और मेरे जीजा 2 लोग एक्सपायर हो गए। हम मोटरसाइकिल का लो। आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी सुबह फ़ोन जो और लोग गए थे उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आपके भाई और जीजा यहाँ पे एक्सपायर हो गए भगदड़ के कारण। मौके पर कोई अधिकारी आया? मौके पर अधिकारी आए थे, SDM आए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव के बाद प्रदेश में सरकार बनाने की संभावनाओं को लेकर पूरी तरह से सजग होकर भागदौड़ कर रही समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाई में सिर्फ टव्वल के हालात बने हुए हैं। मुजफ्फरनगर पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई मासिक बैठक में उस समय बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष को चूड़ियों के डिब्बे के साथ चूड़ियों का बंडल थमा दिया। दरअसल शनिवार को साल के पहले दिन समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक बुलाई गई थी। महावीर चौक के निकट स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर
संगठन के पदाधिकारियों के अलावा अन्य कार्यकर्ता भी जमा हो चुके थे। इसी बीच अपनी पूर्व घोषणा के मुताबिक समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पहुंचे बागी कार्यकर्ता सुजात राणा ने महानगर अध्यक्ष सली अलीम सिद्दीकी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया और महानगर अध्यक्ष को चूड़ियों का डब्बा एवं एक बंडल भेंट करते हुए उनकी कार्यशैली को लेकर अपना रोष जताया। महानगर अध्यक्ष को पार्टी के पदाधिकारियों व नेताओं के सामने ही चूड़ियां भेंट किए जाने से महानगर अध्यक्ष के समर्थकों ने सुजात राणा के व्यवहार को लेकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया, जिससे पार्टी दफ्तर पर हंगामा खड़ा हो गया। सपा के महानगर अध्यक्ष को चूड़ियां भेंट किए जाने के मामले को लेकर काफी समय तक पार्टी दफ्तर पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जिला अध्यक्ष जी ने आपको इससे अवगत करा दिया है और आपने बाइट दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं लगातार। पार्टी का कार्यकर्ता है, सेप्रेम हमने उनकी चूड़ियां ली हैं, कोई बात नहीं। पार्टी के हर कार्यकर्ता का दिल रखने का काम महानगर अध्यक्ष का जिला अध्यक्ष का होता है, हमने अभी उसी कर्तव्य को पूरा किया है। हमने पूरी सद्भावना के साथ प्यार के साथ अपने उस कार्यकर्ता की चूड़ियां भी मासिक बैठक थी जो हमारी सहयोगी दल हैं जिनसे हमारी पार्टी के गठबंधन हुए हैं, संभवतः चुनाव अगले हफ्ते तक अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो उनसे कल हमारी बैठक है और ये विधानसभा वाइज उनके कार्यकर्ताओं का हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होंगे। उनकी डेट्स तय करनी थी और 6 विधानसभा में 3 की होगी, 3 की डेट और तय हो जाएगी, उस सिलसिले में कार्यकर्ताओं से राय लेने के लिए मीटिंग। वहीं प्रतापगढ़ में नया साल शहर एवं ग्रामीण इलाकों में इस बार नए उत्साह एवं नए अंदाज में मनाया गया है। ग्रामीण इलाका हो या शहर, लोगों ने बड़े ही उत्साह से देवी देवताओं को साक्षी मानकर पूजा अर्चना की। साथ ही सभी श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाकर मिष्ठान का भोग लगाने के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत की है। तो शहर के बेला देवी मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई थी, तो मिष्ठान वितरण तो कहीं पर कीर्तन भजन का दौर चलता रहा। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में कटना मेदनीगंज चौराहे पर स्थित माँ प्रतापवासिनी मंदिर का नजारा भी देखने योग्य था। यहाँ पर आसपास के ग्रामीण इलाकों से आए श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं को साक्षी मानकर जीवन की शुरुआत की। इस दौरान इन धार्मिक स्थलों पर कीर्तन भजन के साथ 51 किलो लड्डू बांटने का कार्यक्रम भी चलता दिखा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।